रूखे सूखे बेजान बालों में आएगी नई जान। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके साथ जो होम रेमेडी शेयर करेंगे वो आपके टूटे फूटे बालों में नई जान डाल देगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने लिया है मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना के बगैर तो आपके बाल ना बढ़ सकते हैं, ना ही मजबूत हो सकते हैं, ना ही घने और ना ही काले हो सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला होता है मेथी, और इसी के साथ हमने ले लिया है कलौंजी। तो आपको कलौंजी लेना है और मेथी दाना लेना है। कलौंजी भी बहुत अच्छी होती है आपके बालों के लिए। तो यहाँ पर सूखी हम आपको मेथी दिखा रहे हैं, और रेमेडी के लिए हमने 2 चम्मच मेथी रात में भिगो दी थी और एक रात हमने इसको पूरी भीगने दी है। तो देख सकते हैं ये गेहूं के बराबर हो चुकी है, जैसे कि गेहूं के दाने होते हैं बड़े बड़े से, भीगने के बाद ये मेथी हमारी उसी तरह से बड़ी बड़ी हो गई है। और साथ में हमने कलौंजी भी भिगोई थी। दोस्तों, 1 चम्मच हमने कलौंजी ली थी और इसको भी हमने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया है। आप चाहें तो कलौंजी और मेथी को एक साथ ही भिगो सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग इसको भिगोया है। और अब हम दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने आपको दिखा दिया है, इसकी पहचान भी आपको करा दी है। तो ये कलौंजी ब्लैक होती है और मेथी हमारी येलो कलर की होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने दोनों को मिला दिया है, और अब हम इसका बहुत बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। पेस्ट आप जैसे कंफर्टेबल हो, सिलबट्टे पर पीसना चाहें तो सिलबट्टे पर पीस लीजिए। हम तो इसको मिक्सी जार में पीसेंगे। बिल्कुल महीन इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है हमें। तो पहले हम एक राउंड मिक्सी को घुमा देंगे। हमें करी पत्ती भी लेनी है। दोस्तों, करी पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। करी पत्ती से हमारे बालों में नई जान आती है। हमारे बाल लंबे, काले और घने होते हैं। तो ये करी पत्ता का पौधा अगर आपके यहाँ है, किसी के यहाँ है, तो आप ले सकते हैं। 20 से 25 पत्तियाँ हमने करी की डाल दी हैं, और इस पर हम ढक्कन लगा देंगे। इसको हम फिर से थोड़ा सा घुमा देंगे और इसका बढ़िया सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसको दूसरी कटोरी में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको कपड़े से छान भी सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो छन्नी से छानिए, या इसका ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखने के बाद ये पूरा हट जाएगा आपके बालों से। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद दोस्तों हमें एक प्याज भी लेना होगा। हम इसमें एक प्याज का रस भी ऐड करेंगे। ये बहुत बढ़िया सा फाइन फाइन सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम साइड में रखेंगे और एक प्याज ले लेंगे। प्याज का भी हमें रस निकालना है। तो सबसे पहले हम प्याज को छीलेंगे। चाहें तो कद्दूकस से आप इसका रस निकालें, चाहें तो आप सिलबट्टे पर पीसिए, या मिक्सी जार में पीसकर इसका रस निकालकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसका रस निकलकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको कद्दूकस करेंगे, और कद्दूकस करके हम जितना भी इसका रस होगा उसी पेस्ट में हम इसको निचोड़ देंगे, क्योंकि प्याज में सल्फर होता है, और जब आप प्याज का रस अपने बालों में लगाते हैं तो बाल दुगना तेजी से बढ़ते हैं। जो गंजापन होता है आपके सिर में, जो आपके बालों में गैपिंग आ जाती है, तो छोटे छोटे से बाल उगने भी शुरू हो जाते हैं। अगर आप प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो प्याज का रस आप अपने बालों पर कभी कभी ज़रूर लगाया करिए। अगर आप किसी रेमेडी के साथ नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी आप प्याज का रस निकालिए और अपने बालों में किसी कॉटन की मदद से बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाइए। बहुत ही ज़बरदस्त सा रिजल्ट आपको मिलेगा प्याज की रस का। तो ये देख सकते हैं हमने लगभग 3 चम्मच प्याज का रस इसी पेस्ट में मिला लिया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अपने बालों पर हम अप्लाई करेंगे, जड़ों से लेकर बालों तक पूरी लेंथ पर हम अच्छे से लगाएंगे। हफ्ते में कम से कम 3 बार हम इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। अगर आप हफ्ते में 3 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो 15 से 20 दिनों में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके टूटते झड़ते रूखे बेजान बालों में नई जान आ जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।